ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्था है और क्या कार्य हो रहा है बताइए। तो जब आपने ये लाइन कही कि डिंपल जरा वो फाइल बढ़ाना, ये आप लिख कर ले गए थे या आपने सोच वही सोचा कि बोल देता हूं? नो, एक्चुअली दैट वाज ट्रूली एक्सपेरिमेंटल। तो क्या कहा उन्होंने, मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने कुछ कहा अखिलेश यादव ने आपसे? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मैं कुछ बोलना चाहते हैं। 10 साल तो आपके भी संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। नमस्ते, मैंने उन्हीं का संवाद कहा, रे न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हास्य कहिए या कॉमेडी कहिए, ये ऐसी कला है जिसे साधना आसान नहीं है। लोगों के पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर तक नहीं होता है, और इसे करके लोगों को हंसा देना ये अपने आप में एक मुश्किल साधना है। लेकिन हमारे BHU के लाल अभय कुमार शर्मा इसमें एक्सपर्ट हैं। वो चाहे टीवी शोज की बात हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी की बात हो या मिमिक्री की बात हो, चाहे मिमिक्री में नरेंद्र मोदी हो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, या बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, और या फिर अब जिस बात को लेकर चर्चा है यानी कि उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मिमिक्री करना हो या शिवपाल यादव की। अब है हमेशा इसको ऐसा करते हैं कि उनकी चर्चा हो जाती है। आज यूपी तक पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार शर्मा, जिन्हें आप सब जानते हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। अभय जी, लोग इस वक्त आपको खूब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। बीते दिनों आपने एक मंच पे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी मिमिक्री की, उसकी खूब चर्चा हुई, उसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन जरा शुरुआत से बातचीत करते हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे शुरू हुआ ये सफर, और साथ ही साथ वो सफर कितना कठिन रहा, क्योंकि जो दर्शक जानते हैं उनको बता दें कि अभय जी देखने में सक्षम नहीं है, ऑब्जर्व करना उनके लिए आंखों का काम नहीं है, वो जो सुनते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो कैसा रहा है आपका सफर? जी, सबसे पहले तो ऊपर वाले का, ईश्वर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे भले ही दृष्टि नहीं दी लेकिन दृष्टिकोण नवाजा। जी और रजत जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के गोडिहा गांव में हुआ, और बचपन से ही मैं देख नहीं सकता, और शुरू में लोगों की संकीर्ण सोच और उपेक्षात्मक टिप्पणियों का शिकार हुआ, इसलिए मुझे भी और घर वालों को लगा कि ये जीवन बहुत कठिन होगा। मेरी माता जी बहुत परेशान थी मेरे शिक्षा दीक्षा के लिए, तो उन्होंने मेरा दाखिला वाराणसी में स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कराया, जहां से मैंने 12वीं तक की शिक्षा पूरी की 2014 में। फिर BHU में मेरा प्रवेश हुआ, और वहां पे नरेंद्र देव छात्रावास था, फ्रेशर पार्टी में मैंने पहली बार मिमिक्री की, और वहां के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, या ये कहें कि नियति ने मुझे मौके दिए एक के बाद एक। BHU का यूथ फेस्ट होता है स्पंदन, वहां पे मैंने 3 साल गोल्ड मेडल का टाइटल जीता, यूथ फेस्ट में मैंने पुरस्कार जीते, नेशनल यूथ फेस्ट, जोनल यूथ फेस्ट। फिर ये सफर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, और जहां तक मेरे कॉमेडी के क्षेत्र में जाने की बात रही, तो जी मेरी इस विधा की शुरुआत होती है, यूं कह लें कि रेडियो कमेंट्री हम बहुत शौक से सुना करते थे, तो अच्छा कमेंटेटर्स की मिमिक्री सुनते थे तो उनकी आवाज निकालते थे वहां पे, जैसे विनीत गर्ग हुआ करते थे, वो बहुत ही महीन सा विवरण दिया करते थे कि नमस्कार, भारत और पाकिस्तान के बीच ये शानदार मुकाबला चल रहा है, और सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जो कि बहुत ही आक्रामक बैट्समैन है, पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर ने गेंद लेकर के दौड़ना शुरू किया और इस बार गेंद को सहवाग ने डिफ्लेक्ट कर दिया है, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है,
चार रंग मिल जाएगा। भारत ने रंग बनाने का सिलसिला शुरू कर ही तो दिया है, ये इस तरह का उनका अंदाज होता था। तो आपने बिल्कुल बचपन याद दिला दिया जी। तो यहाँ से मैंने ये सुना, इस तरीके से ये मेरे अंदर मिमिक्री के रूप में डेवलप हुई, लेकिन ये एक विधा भी बन सकती है, या इस पे मैंने काम किया जब मैंने लाफ्टर चैलेंज के शुरुआती एपिसोड सुने राजू श्रीवास्तव जी। जी 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 हाँ बताइए बताइए आप। तो राजू श्रीवास्तव जी जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, और उनसे काफी मैं इंस्पायर हुआ। फिर राजीव निगम सर हैं, उन्होंने भी काफी मेरा मार्गदर्शन किया, और उस समय उनको सुन करके भी मैंने काफी कुछ सीखा। इस तरीके से कपिल शर्मा और तमाम आर्टिस्ट, और मैं अपने जीवन में ये महसूस करता था कि जब भी लोगों से मिलता था तो लोग बड़े उदासी भरे भाव से मिलते थे कि अरे इनकी आंखें नहीं है, अब क्या होगा। लोग बताते थे नॉर्मल बच्चे कि हम 10 पास कर गए, 12 पास कर गए, तो लोग बड़े उम्मीद से खुश होते थे, अरे वाह साइंस साइड पढ़ोगे कि आर्ट साइड पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे। मैं बताता था मैं 10 पास हो गया, चलो भगवान है कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे आपका भी। तो मैं सोचता था क्या ऐसा जीवन में करूं कि लोगों का जो खुद क्या एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को लेके तो है ही है, लेकिन वो जीवन में मुझे देख करके एक उनके अंदर भी निराशा होती है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, और उनकी बातों से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैंने ये जब लाफ्टर चैलेंज सुना तो मुझे लगा यार वाह ये क्या चीज है, मैं भी अपने जिंदगी में ये करके और लोगों के चेहरे पर तरस के बजाय तालियां खुशी ये ला सकता हूं, तो इसलिए मैंने इस विधा को चुना। ये आपने तो बताया कि किस तरीके से आपने सीखा रेडियो कमेंट्री से, मैं बढ़ूं आगे ये पूछूं आपसे कि भाई टीवी में कैसे गए, कैसे अक्षय कुमार से मुलाकात हुई, कैसे वो लेकर गए आपको टीवी में, ये सब पूछूं से पहले बनारस में रहते हैं भाई, मतलब हम कहेंगे बनारस और गुरु, तो कुछ बनारसी बताइए जरा कि आग भाई अल्लड़पन का हाल बहु। अरे एकदम बनारस में गुरु एकदम चकाचक ठीक हो। यहाँ ऐसा स्थिति है कि कभी कभी जैसे बनारस में अभी 2-4 साल पहले जो मोदी जी आए तो नया नया रेड लाइट का अच्छे से लोगों का पालन शुरू हुआ, तो कई बार लोग रेड लाइट में बोलते हैं कि भाई रेड लाइट है आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अरे अरे मर्दवा हमें लगा था कोनो लाइटी है पर पान खा के थूक दे ले रहा, ऐसे गाड़ी ना बढ़ाओ चली। और बनारस की एक से बढ़कर के एक अलग अलग आपको गली में जाएंगे तो अलग विशेषता, छोटे छोटे जगहों पे ये यहाँ की जो लस्सी है, चाय है, पान है, और खासतौर से जो हर व्यक्ति यहाँ पे गुरु है, और इतना पान खाते हैं सब लोग कि बनारस हमेशा पीक पर रहता है और गंगा भी पीक पर है। जी, और हर व्यक्ति चाहे वो 5 पास ना हो लेकिन है अपने आप में गुरु, और बाबा के नगरी में रहते कोई भी बात शुरू हुई, अरे कहा गुरु आजकल कहा रहा तू, आर देख ली तो आर वीडियो बहुत एकदम मोदी जी के साथ जमत रहा, और जब से मिला हुआ हमके भावना दे तू, ऐसे करके लोग बोलते रहते हैं। तो और बनारस में BHU कैसा रहा आपके लिए, मतलब जब BHU गए वो जगह कैसी रही आपके लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपको वहां से मिला BHU से। देखिए बनारस वाकई में विद्या की राजधानी है और इसमें कोई शक नहीं है। BHU इज द नॉलेज कैपिटल इन इटसेल्फ, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन कैंपस है, और इसके साथ साथ यहाँ जो इसकी पद्धति है, इसमें सांस्कृतिक परंपरा है कि आपके फ्रेशर्स पार्टी फेयरवेल, इसके साथ साथ आपके जो फैकल्टी लेवल पे फेस्ट और BHU लेवल पे फेस्ट, फिर बाहर जाना, ये सब काफी रास आया मुझे, और इन सब चीजों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, बूस्ट किया। यहाँ पे ये अगर शायद नहीं मिलता मुझे तो मैं अपने अंदर की क्षमता को खुद नहीं पहचान पाता, तो दुनिया मुझे क्या ही जानती। तो BHU ने मेरे लिए रास्ता खोला और ये द्वार मनोरंजन का संसार सीधे जो आपके द्वार पहुंच रहा है, तो
इसके लिए बीएचयू के जो बीएचयू की परंपरा है, पद्धति है, उसे मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं एक सवाल और लूंगा अभय जी, एक सवाल और लूंगा, क्योंकि चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीएचयू में एडमिशन चाहते हैं, आप जिस बैकग्राउंड से पढ़कर आए, कितना आसान रहा बीएचयू में एडमिशन और कैसी पढ़ाई है? मतलब खासकर वो बच्चे जो देखने में सहज महसूस नहीं करते, जो देख नहीं पाते, उनके लिए कैसी जगह है? बिल्कुल, अगर आपने ऐसे भी इन जनरल भी कहें तो बीएचयू में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और काफी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा व्यवस्था है यहाँ। और न देखने वाले लोगों के लिए भी बीएचयू में काफी फैसिलिटीज हैं, धीरे धीरे काफी कुछ बढ़ गया है। यहाँ पे आपको सब्सिडीज मिलती हैं फूडिंग में भी, और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिकल हेल्प भी मिलती है, और आपके लाइब्रेरी जो यहाँ पे है उसमें कुछ सीटें ऐसे लोगों के लिए निश्चित की गई हैं कि इस पे कोई ना बैठे, इन्हें ना परेशान करे और इन्हें आसानी से जगह मिल जाए। साथ ही यहाँ पे ब्रेल प्रेस भी अब उपलब्ध है, जिससे कि दृष्टिबाधित बच्चे कुछ किताबें पढ़ सकते हैं ब्रेल में प्रिंट करा के। और रिकॉर्डिंग जो नॉर्मल बुक्स है, आपको पता होगा कि वो हम लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ते हैं सुन करके, तो उसकी भी बीएचयू में व्यवस्था है। और एक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार इन सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहा है बीएचयू, और आगे बढ़ा रहा है हम जैसे लोगों। जी, तो अब जरा बात करते हैं टीवी पे, लोग आपको तब पहचाने या आपको एक फेम तब मिला जब आप टीवी पर नजर आए, किसने फोन किया, किसने बुलाया आपको? दरअसल बीएचयू में जो यूथ फेस्टिवल होता है स्पंदन नाम से, तो जी, ये जो बच्चे हैं वो जानते हैं, जो लोग बीएचयू से पढ़े हैं वो जानते हैं स्पंदन के बारे में। हाँ, तो बीएचयू का जो स्थापना का सवा वर्ष था, शताब्दी वर्ष, तो उस समय राजू श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो मंच पे मुझे भेजा गया और मैंने उनकी मिमिक्री की, जो हम अब करते हैं नेताओं की और व्हीकल्स की, जो भी अपने से बन पड़ा मैंने कॉमेडी की, और पूरा माहौल एमपी थिएटर ग्राउंड बीएचयू का, उसमें तकरीबन 10-15 हजार लोग थे। इतनी तालियां मैंने अपने जीवन में उससे पहले तो कभी नहीं सुनी थी, उसके बाद भी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, एक 15-20 हजार लोगों की तालियां। कुछ लाइन सुनाए जो आपने वहां सुनाई पहली बार। और उनकी तालियां और इसके साथ उनके ठहाके, उनकी हंसी, उन लाइनें जिस प्रकार से थी उस समय, जैसे कुछ न्यूज वगैरह हम लोग बोला करते थे कि बीएचयू में मधुबन पार्क को लंबे समय तक खोले जाने के लिए प्रेमी प्रेमियों ने लगाया, इस तरह से थोड़ा सा, अभी उस समय के डायलॉग तो नहीं, इस तरह से था कि बीएचयू के मधुबन पार्क को शाम 6 बजे के बाद तक खोलने के लिए प्रेमी प्रेमिकाओं ने लगाया चक्का जाम, भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड ने छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बीएचयू के महिला महाविद्यालय के चौराहे पर हुए प्रेमी प्रेमिका के बीच भिड़ंत का मामला लंका थाने के पुलिस ने सुलझाया, लड़की के हवाले से बताया कि लड़के के आंखों में उसके लिए कई दिनों से प्यार की जगह मोतियाबिंद के लक्षण दिखाई दे रहे थे। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय यानी सेंट्रल ऑफिस पर सभी कर्मचारियों का बड़ा धरना, कहा अगर हफ्ते में 4 शनिवार हुए तो 3 रविवार भी होने तय। इस तरह से कुछ थी, और बाकी फिर नेताओं की मिमिक्री वगैरह थी। और फिर उस समय कुलपति जीसी त्रिपाठी जी ने कहा कि मुझे अपने मुख्य अतिथि के न आ पाने का अफसोस है, लेकिन कोई कमी नहीं खलने दी मेरे इस शेर ने, मेरे यूनिवर्सिटी के कलाकार ने। फिर अगले वर्ष ऐसा हादसा हुआ कि इसे कोइंसिडेंस जो भी कहिए, मैं राजू श्रीवास्तव साहब अगले साल आए चीफ गेस्ट के रूप में, तो मैं सबसे लास्ट वाले रो में नीचे घास पे बैठ के उन्हें सुन रहा था, और मैं सोच ही रहा था कि काश इनके सामने मुझे अवसर मिलता। तभी मुझे वीसी साहब के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुझे ढूंढते हुए चले आए कि आइए आपको स्टेज पर बुलाया गया है। फिर मैंने राजू श्रीवास्तव साहब के सामने परफॉर्म किया और उन्होंने काफी प्रशंसा की मेरी, और प्रशंसा के साथ साथ उन्होंने 5100 रुपए का नगद पुरस्कार भी मुझे दिया। और काफी उसके बाद फिर
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन आया सीजन 5 का, जिसके अक्षय सर जज थे। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर स्टार प्लस पे वो प्रसारित हुआ और तब मुझे लोगों ने पहली बार टीवी पे देखा, प्यार किया और सपोर्ट दिया। अक्षय सर का भी काफी स्नेह मिला मुझे, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जी। इस वक्त आपकी चर्चा हो रही है अखिलेश यादव की मिमिक्री को लेकर, पहले आप कुछ सुनाइए जरा अखिलेश यादव की आवाज की बड़ी तारीफ हो रही है जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव की लाइनें सुनाई, उसके बाद जरा इस पर सवाल लेंगे आपसे। ये बहुत इस तरह से उनकी जो विचारधारा वो प्रस्तुत करते हैं कोई भी विषय हो, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्था है और क्या कार्य हो रहा है बताइए। जो सांड हैं खुले में घूम रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर, ये कौन सा शासन है? किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं आप? ये कौन सा न्याय है जिसमें कोई अदालत नहीं है? न्याय गोली और बुलडोजर से नहीं होता और इंसाफ की राजनीति होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है, ये मुझे कहना है जी इस प्रकार से। तो जब आपने ये कहा, एक दो सवाल मेरे हैं। पहला तो जब आपने ये लाइन कही कि डिंपल जला वो फाइल बढ़ाना, तो ये आप लिख कर ले गए थे या आपने सोचा कि बोल देता हूं? नो, एक्चुअली दैट वाज ट्रूली एक्सपेरिमेंटल एंड पहली बार जब मैंने उनकी आवाज निकाली तो वे द ऑडियंस सपोर्टेड, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने हुट किया, मुझे लगा कि अब यहाँ पे ये चीज शायद कह दें तो और लोगों को थोड़ा टच करेगी, और ये निकल गया। माँ शारदे की कृपा है कि सही समय पे कई बार वो विचार मन में आ जाते हैं जी, तो मैंने लिखा नहीं था। तो क्या कहा उन्होंने, मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने कुछ कहा अखिलेश यादव ने आपसे? जी ये बहुत बड़ी बड़प्पन का विषय है। देखिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मुझे अपने सामने मिमिक्री करने के लिए स्वयं कहा, और इसके बाद अखिलेश जी जिस तरह से उन्होंने सहजता से सुना लंबे समय तक और हंसे उस पर, प्रसन्न हुए, फिर मिले तो कहे अरे यार तुमने तो मेरी एकदम नकल उतार दी है, और चाचा का भी बड़ा अच्छा था, और मैं पहली बार सुना कि चाचा की किसी ने आवाज निकाली है, तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो और हम लोगों से भी जो प्रयास होगा, जो जो सपोर्ट चाहिए होगा आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। तो और अच्छा लगा मुझे, पहले भी मुझे हमारा जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारंद विद्यालय है उसका आकार छोटा कर दिया गया था, जो 12 तक चलता था अब 8 तक हो गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, जब हम लोग काफी दिक्कत में थे, भटक रहे थे, तो उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक होगा। तो बहुत अच्छा, बहुत प्रेम दिया उन्होंने, बहुत सम्मान दिया, बहुत खुशी हुई। शिवपाल यादव की आवाज का आइडिया कैसे आया कि नहीं अखिलेश यादव के सामने के चाचा की आवाज निकाल दी जाए? देखिए ये दरअसल हम सब लोग चूंकि सोशल मीडिया पे समय कुछ ना कुछ कम ज्यादा बिताते हैं, तो मैंने एक बार ऐसे वीडियो देखा जिसमें कि वो बोल रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी के बात पे, तो कुछ और नोकझोंक देखी तो मुझे लगा कि शायद ये आवाज मैं कॉपी कर सकता हूँ, तो मैंने वो कई बार अभ्यास किया, फिर जो कुछ मुझसे हो पाया मैंने वहां, और उससे बेहतर जगह कौन सी थी चाचा की मिमिक्री करने के लिए आप ही बताइए रजत जी, है ना, जहाँ पे भतीजे बैठे हों और भतीजे के साथ सभी कार्यकर्ता बैठे हों, ऑडियंस बैठी हो, सारे नेतागण बैठे हो, तो इससे आई थिंक सुटेबल जगह तो कोई हो ही नहीं सकती थी।
नहीं तो हम चाहेंगे एक बार वो लाइनें आप सुनाइए जो चाचा की लाइनें बहुत वायरल हुई योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि दो आवाज एक साथ आ जाएंगी, योगी की, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उनकी आवाज भी आ जाएगी और शिवपाल यादव की भी आ जाएगी। जी, जैसे योगी जी दो पिच पे बोलते हैं, सदन पे वो लो पिच पे बोलते हैं और रैलियों में हाई पिच पे बोलते हैं, तो रैलियों में वो कुछ इसी प्रकार से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और युवाओं के शिक्षा के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अपराधी पहले बढ़ रहे थे, उनको हमारी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी दल का हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी इस तरह से। और जो चाचा वाला प्रकरण था, शिवपाल जी वाला, जो सब लोग जिसपे खुश हुए जी, तो उसपे उन्होंने बस ये सदन में जब नेता विपक्ष गए तो इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने पहला प्रश्न किया है तो सबसे पहले तो आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन एक बात तो है कि आखिर आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। तो फिर चाचा ने कहा, मैं कुछ बोलना चाहते हैं। 10 साल तो आपके भी संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। इस तरह से सारा सदन उस समय तालियों से और ठहाकों से गूंज उठा। और एक बार और संवाद हो रहा था तो कहते हैं मुख्यमंत्री की, ये जो चचा बिचारा है ये हमेशा मारा जाता है, भतीजे को हमेशा ही चचा से खतरा रहता है कि कहीं कुर्सी न छिन जाए। तो चचा ने एक बार अपनी बात कही थी कि सदन में ऐसे कार्यक्रम होता है मानो इसका विषय हो चाचा पर चर्चा। हाँ, चाचा पर चर्चा। तो चाचा कहना चाहते हैं कि चाचा पीडीए के थे, हैं और रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। हम अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। ये इस तरह से उन्होंने बयान दिए थे। तो कभी शिवपाल यादव से मुलाकात हुई या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात और बहुत चर्चा रही आपकी, जो आपने खुद भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप काशी में रहते हैं फिलहाल, बीएचयू से पढ़े हैं, उनकी मिमिक्री आपने उनके सामने की, क्या इंसिडेंस था वो और क्या प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? 2019 का समय था वो और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात कई दिव्यांग साथियों के साथ DLW हेलीपैड पर हुई थी। कई तरह के क्षमता के धनी लोग गए थे तो मैं उस समय पहले, सबसे पहले खड़ा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर करते करते पूरा उतरा नीचे। तो प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील और जागरूक हैं, उन्हें पता, जैसे ही आभास हुआ होगा कि मैं नहीं देख सकता तो उन्होंने आके स्वयं कहा कि नमस्ते। मैंने उन्हीं का संवाद कहा, अरे न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांग लोगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। उन्होंने कहा, क्या शुभ नाम? मैंने कहा, सर अभय कुमार शर्मा। अच्छा, क्या करते हो? मैंने कहा, सर स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। मैं सर अक्षर सर के लाफ्टर चैलेंज में भी था। अच्छा, किस किस की मिमिक्री करते हो? सर आपकी, राजना सर की। अच्छा, हमारी पर। तो सर जिस तरह से आप मन की बात में बोलते हैं, हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे काशी जाने का अवसर मिला। वहां पर मैंने देखा तमाम लोग तो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ दिव्यांग साथी आकर के और जिस सहृदयता के साथ मुझको मिल रहे थे, मुझे जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा, वाह बहुत बढ़िया करके मेरा पीठ थपथपाया और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में फरवरी 2024 के और उसके बाद एक दो रैलियों में भी इस वाक्य का जिक्र किया। जी बिल्कुल। लेकिन अभय जी, हम चलते चलते कुछ और आपसे थोड़ी सी गुजारिश करेंगे। वैसे आप के लिए सबसे मैं पूछूंगी, आपका पसंदीदा, आपकी पसंदीदा आवाज क्या है, जिसकी मिमिक्री आप को लगता है कि आप सबसे अच्छी करते हैं और आप उसको करना चाहते हैं? देखिए, करना चाहने की बात तो अलग है, बहुत से कैरेक्टर्स हैं और एक योद्धा के तरकश में जितने तीर हो उतने कम हैं और एक कलाकार के पास जितनी खूबियां हो उतनी कम है। लेकिन अब तक जो लोगों ने एंजॉय की है मिमिक्री, प्रधानमंत्री जी की है, अखिलेश जी की है, सबकी की है। लेकिन मैं माननीय रक्षा मंत्री जी की, राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री करना मुझे पसंद है। उनकी मिमिक्री करने के लिए मैंने काफी कोशिश की और उनके जो बेस है और जिस तरह से वो बात रखते हैं वो काफी अच्छा है। तो जरूर सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा, एक लाइन तो जरूर सुनाइए। जी, जैसे उनकी भाषा होती है, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के चरमपंथियों का यह जो हमला हो रहा है उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय और हमारी भारत सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी प्रकार के आतंकवादी को हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी, चाहे वह कहीं भी हो। हमारी सेना के लोग, हमारे शक्तिशाली जवान उसे ढूंढ निकाल करके और उसे पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने का कार्य करेंगे। और जो भी लोग, जो कोई भी सरकार के और सेना के मंथे पर सवाल उठाते हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं। तो बिल्कुल, बहुत खूब, ये आवाज तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल माहिर कॉपी कर लिया है आपने। राजनाथ सिंह भी कभी सुनेंगे तो जरूर उनको अचंभा। क्या कभी राजनाथ सिंह से को आपने ये आवाज सुनाई, कभी मुलाकात हुई क्या आपकी राजनाथ सिंह? जी नहीं, एक कार्यक्रम ऐसा था जिसमें हम और वो दोनों लोग थे और लेकिन वो ऐसा सामने आमने सामने आवाज मिमिक्री नहीं की मैंने। और अच्छा, हर चीज के लिए एक उचित वातावरण होता है और एक वैसा माहौल तैयार हो जाता है तब वो चीज आती है, तो अच्छा है। अब जी तो लेकिन उनसे उनके, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, लेकिन उनके भी अंदाज से और आवाज से काफी कुछ सीखा है मैंने। तो फिलहाल अभय जी, आप हमसे बातचीत कर रहे थे, बड़ा सुकून रहा आपसे बातचीत करना, मजेदार रहा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से मिमिक्री करते हैं, मैंने आपकी स्टैंड अप कॉमेडी भी सुनी है, जो दर्शक नहीं इनकी कॉमेडी से वाकिफ हैं वो यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अभय के नाम से, तो आपको बहुत सारे फिल्मी अभिनेताओं के साथ वो कॉमेडी मिलेगी जो हो सकता है। अभय जी कुछ सुनाना चाहें, एक आध लाइन दर्शकों के लिए, मिमिक्री से हटकर कोई एक पंच लाइन जिससे वो बहुत गदगद हो जाए? देखिए बिल्कुल, हम तो
भाई बनारसी आदमी है, जितना समय मिले कम ही होता है कि लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो। और बनारसी देखिए, हम लोग का भौकाल अभी भी कम नहीं है बनारसी ना, भौकाल एकदम टाइट है गुरु, बिल्कुल एकदम भौकाल टाइट है। देखिए बाकी लोग देश के सब लोग सिर्फ एमपी बनाते हैं और हमारा भौकाल इतना है कि हम लोग सीधा पीएम बना देते हैं। तो बिल्कुल, तो फिलहाल अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैसी लगी बातचीत आपको जरूर बताइए। जी जी बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आप नित प्रति इसी तरीके से अपने क्षेत्र में लगातार ऊंचाइयां छूते रहें और एक नामचीन पत्रकारों के फहरिस्त में अपना जगह बना रहे हैं, बनाइए, बनाते जाइए और किसी इसी क्रम में और पड़ावों पर हमारी मुलाकात होती रहे, बातचीत होती रहे, ऐसी कामना है। बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल भी काफी अच्छे थे, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल जो दर्शक यूपी तक देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उन्हें ये बातचीत कैसी लगी। और देखते रहे यूपी तक, नमस्कार।